लेक्चर 30 लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का ये लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे सीएसआईआर यूजीसी नेट का। आज इस वीडियो में जो जून 2019 सेक्शन सी के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ऑफ लीनियर अलजेब्रा, उसके तीन क्वेश्चंस रह गए थे 75 to 78, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, लेट एम एन आर बी द रिंग ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर आर। एम एन आर मीन्स एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, रियल नंबर्स हैं उसकी एंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, मीन्स टू क्रॉस टू से शुरू है, वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स नहीं है, अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है दैट देयर एग्जिस्ट मेट्रिसेस ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई एन, वेयर आई एन डिनोट्स द आइडेंटिटी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई एन लेंगे और शो करेंगे लास्ट में क्या ये स्टेटमेंट जो हमने सपोज की है वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू आता है तो हमारा अजम्पशन सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग। सो देखो, मैंने लिया है ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू आई एन, सो दोनों साइड में कुछ भी लगाऊं वैलिड होगा अगर ये कंडीशन वैलिड है। मैंने ट्रेस किया दोनों साइड, सो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सो ये सेपरेट हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, सो उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, एन वन प्लस वन प्लस वन। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आइडेंटिटी के, वन वन वन, सबको एड करेंगे उसका ट्रेस निकालेंगे, दैट इज एन। सो ये इक्वल्स टू एन आ गया, ठीक है। अगर हम ट्रेस की बात कर रहे हैं बी ए और ए बी का, अगर ट्रेस निकाले तो दोनों का सेम आएगा, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स है। अगर रो वो कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे तो डायगनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे। सो ट्रेस ऑफ ए बी को मैं ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकती हूँ। सो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ गई, राइट हैंड साइड एन है, विच इज एन एब्सर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग। सेकेंड है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन ए इज डायगनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ बी इज डायगनलाइजेबल। मीन्स हम इसको कॉन्ट्राडिक्टी एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। ए में कोई भी मैट्रिक लू, बी में कोई भी मैट्रिक लू, इस तरह से लेनी है। अगर ए बी निकालू और बी ए निकालू तो दोनों सेम आए। अब उसमें ये कह रहा है अगर हम दो ऐसी कोई मैट्रिक लेते हैं सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए है, तो ए डायगनलाइजेबल होगा तभी अगर बी डायगनलाइजेबल है, बी डायगनलाइजेबल होगा अगर ए डायगनलाइजेबल है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। ये हम कॉन्ट्राडिक्टी एग्जाम्पल से करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर, ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, और फोर्थ में क्या कह रहा है, ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज, ये हम शो करेंगे विद कॉन्ट्राडिक्टी एग्जाम्पल्स। अगर हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दे तो वही हमारे लिए काफी होता है। सो सेकेंड हमारा क्या था, ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स ले रही हूं मैं, ए ये मैट्रिक ली है जीरो एंड बी ए मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अगर ए बी और बी ए निकालती हूँ तो मेरी जीरो मैट्रिक आ दी है, ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या कह रहा था, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए आती है इट मीन्स ए और बी दोनों ही डायगनलाइजेबल होनी चाहिए, पर यहाँ पे ए तो डायगनलाइजेबल है पर बी डायगनलाइजेबल नहीं है। डायगनलाइजेबल में डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, बी का तो यहाँ पे वन आ गया तो बी इज नॉट डायगनलाइजेबल, सो हैंस सेकंड पार्ट इज रॉन्ग। हमें ऐसी मैट्रिक एक मिल गई बी जो डायगनलाइजेबल नहीं है पर ए बी इक्वल्स टू बी आ गया। थर्ड, ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। अब देखो एम में जो है वो स्मॉलेस्ट मोनिक पॉलिनोमियल है ए का, ठीक है, सच दैट एम ए इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स दैट अगर मैं कोई अदर दूसरा पॉलिनोमियल लू, सपोज क्यू ए मैंने दूसरा पॉलिनोमियल लिया तो एम ए जो है क्यू ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, वो छोटा, सबसे छोटा पॉलिनोमियल, सच दैट अगर उसमें वो मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट करे या वो आइगन वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम तो वो हमें जीरो देता है। सो एम ए जो है ए का सबसे छोटा मोनिक पॉलिनोमियल है, इस तरह से है सच दैट एम ए इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर मैं कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल लेती हूँ तो उसको डिवाइड करेगा एम ए, ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, अगर लैम्डा सेटिस्फाई करता है उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो जो मैट्रिक है ए मैट्रिक वो भी सेटिस्फाई करेगी, यही कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम।
सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए इक्वल्स टू जीरो. सो जो एम में तो जो है स्मॉलेस्ट मोनिक पॉलिनोमियल है, सो एम में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा. यस, अब हमें चेक करना है ए बी मेट्रिक लेके अगर क्या ए बी एंड बी ए हैज सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, ये चेक करना है ना. सो ए अगर मैंने मेट्रिक ली है ये, बी मेट्रिक ली है ये, सो ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है. इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मींस ए बी माइनस लैमडा से निकालते थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो आ गया लैमडा स्क्वायर, दैट इज लैमडा इक्वल्स टू जीरो जीरो. सो मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो लैमडा हो सकता है या लैमडा स्क्वायर हो सकता है. सबसे पहले हम छोटे से चेक करेंगे, फर्स्ट वी विल चेक फॉर लैमडा. लैमडा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ए बी माइनस जीरो आए. अगर ये जीरो आ जाता है मीन्स लैमडा मेरा सबसे छोटा मिनिमल पॉलिनोमियल है, पर ये तो जीरो नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो मेरा एम लैमडा क्या हो गया, लैमडा स्क्वायर. सो मिनिमल पॉलिनोमियल ए बी क्या क्या हो गया, लैमडा स्क्वायर. अब हम बी ए का चेक करेंगे. ए बी मैट्रिक्स ये है, इसका बी ए निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करेंगे. अगर ए बी का मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू बी ए के मिनिमल पॉलिनोमियल के आ गया, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया, दैट मिनिमल पॉलिनोमियल ए बी का लैम्डा स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट डिग्री का भी हो सकता है. सबसे पहले हम छोटे से चेक करते हैं, ठीक है. अगर लैम्डा नहीं है तो लैम्डा स्क्वायर ही दूसरा ऑप्शन है. अब बी ए का चेक करें, बी ए निकाला, जीरो मेट्रिक आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली इसकी, जो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ गया. सो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर. सबसे पहले हम छोटे से चेक करते हैं, लैम्डा से चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस जीरो आई, जो मेरा जीरो आ गया, इट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल बी ए का क्या हो गया, लैम्डा, और ए बी का क्या था मिनिमल पॉलिनोमियल, लैम्डा स्क्वायर. सो दोनों के मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल नहीं है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ में हमें शो करना था ए बी एंड बी ए है सेम आइगन वैल्यूज. अगर हमें ये दिखा दू जैट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए है, तो आइगन वैल्यू सेम होगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से ही तो आइगन वैल्यू दैट इज लैम्डा की वैल्यू निकलती है. सो मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से दिखाऊंगी. सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी का क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा है, ऐसे ही निकालते हैं. सो मैंने ए बी इनवर्स दोनों साइड लगा दिया, सॉरी ए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी. सो यहाँ पे बिकॉज लैम्डा है दैट इज अ स्केलर, सो ए लैम्डा ए इनवर्स लिख सकती हूँ. अब ए स्टार्टिंग में कॉमन ले लू और ए इनवर्स लास्ट में कॉमन ले लू, सो बीच में मेरा ये आ गया. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन में, हम सेपरेटली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अलग लिख लिया. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है. ये मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया, जस्ट यू हैव टू राइट डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा है, डोंट कैंसिल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा है क्या होता है, नथिंग बट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए. तो मैंने ये शो कर दिया दैट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए, दोनों के करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, सो लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी. लैम्डा की वैल्यूज क्या होती है, नथिंग बट आइगन वैल्यूज. सो आइगन वैल्यूज आर रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओनली. सो देयरफॉर अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी है, इट मींस दे हैव सेम रूट्स. दिस इंप्लाइज दे हैव सेम आइगन वैल्यूज, सो आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 77 इनर प्रोडक्ट स्पेस से है. इनर प्रोडक्ट फ्रॉम आर एन टू आर एन, आर एन क्रॉस आर एन टू आर गिवन है, डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ आर एन. स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो बेसिस भी हम स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, ठीक है. फॉर अ नॉन जीरो डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन, डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन विच इज नॉन जीरो, वी डिफाइन मैपिंग टी डब्ल्यू फ्रॉम आर एन टू आर एन. टी डब्ल्यू वी क्या है, वी माइनस टू, दिस इज टू, टू वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट ओवर डब्ल्यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट इन टू डब्ल्यू. ये टी डब्ल्यू की डेफिनेशन डिफाइन है. फॉर वी बिलोंग्स टू आर एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. सो फर्स्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ टी निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ टी कैसे निकालेंगे, पहले तो हम टी डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, है ना. टी डब्ल्यू मैट्रिक्स में क्या होती है, फर्स्ट कॉलम ईवन क्या ईवन का होगा, सेकेंड कॉलम ई टू का होगा. टी ईवन निकालना पड़ेगा हमें, टी ई टू निकालना पड़ेगा, ठीक है. फिर उस मैट्रिक बन जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है.
सेकेंड अगर वो वन आता है नहीं आता है ये चेक करेंगे, सेकेंड में टी डब्ल्यू वी वन टी डब्ल्यू वी टू का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वो इक्स के इक्वल आ जाता है देन दिस इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। थर्ड में टी डब्ल्यू के इनवर्स आता है कि नहीं आता वो चेक करेंगे, फोर्थ में टी टू डब्ल्यू इक्वल टू टू टी डब्ल्यू आता है नहीं आता वो चेक करेंगे। पहले फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज वेरी यू नो इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन में बट दिस इज वेरी इजी। देखो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ आयरन की बात करें, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ आयरन लेंगे हम, यू ले लेते हैं यू वन यू टू अप टू सो ऑन अप टू यू एन, ठीक है ये वैक्टर्स हैं इन आयरन। वी ले लेते हैं वी वन वी टू अप टू सो ऑन अप टू वी एन, दीज बिलोंग्स टू आयरन। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी क्या हो जाएगा, यू वन वी वन यू टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन अप टू यू एन वी एन। अगर हम छोटे से शुरू करते हैं, एन इक्वल्स टू टू की बात करेंगे, ठीक है एन इक्वल्स टू टू के लिए मैपिंग डिफाइन करेंगे, टी डब्ल्यू फ्रॉम आर एन टू आर एन था तो एन इक्वल्स टू टू के लिए क्या हो जाएगा टी डब्ल्यू फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। टी डब्ल्यू वी हमें ये गिवन है इन क्वेश्चन, ठीक है सो हम सबसे पहले टी डब्ल्यू ई वन टी डब्ल्यू ई टू निकालेंगे, देन वी विल फॉर्म द मैट्रिक और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस की बात, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे ऑफ आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, वन जीरो एंड जीरो वन, सो ई वन मैंने ले लिया वन जीरो एंड ई टू मैंने ले लिया जीरो वन। सो टी डब्ल्यू ई वन निकालेंगे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी डब्ल्यू ई टू निकालेंगे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। नाउ जो डब्ल्यू है वो बिलोंग्स टू आर एन, दैट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी हमें लेनी है, सो मैंने डब्ल्यू को लिया है वन वन, डब्ल्यू को मैं ले रही हूँ वन वन, आर एन में लेना है, आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो टू टपल में ही ले रहे हैं, वन वन मीन्स वन कॉलम मैट्रिक्स है वन वन की। देखो हम ऐसे लिखते हैं ना वन वन, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है टू टू क्रॉस वन की मैट्रिक है इस टाइप से, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में डाल दिया मैंने ई वन, सो ई वन क्या है वन जीरो, डब्ल्यू क्या है वन वन, सो सारी चीजें डाल दी, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। इनर प्रोडक्ट ऑफ इसका मतलब क्या होता है कि जो वन जीरो है वो रो में आ जाएगा, ट्रांसपोज देते हैं फर्स्ट का। देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस अब ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में मैंने बताया हुआ है ये, और जो वन वन है वो कॉलम मैट्रिक आ जाएगी, सिमिलरली ये रो मैट्रिक ये कॉलम मैट्रिक। सो सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया है, सो मुझे ये मिल गया जीरो माइनस वन कॉलम मिल गया। इसी तरह मैं टी डब्ल्यू ई टू करूंगी, ई वन की जगह ई टू आ जाएगा, ई टू क्या है मेरा जीरो वन, ठीक है सो ई टू मुझे ये मिल गया। अब टी मेरी क्या होगी मैट्रिक्स टी डब्ल्यू ई वन टी डब्ल्यू ई टू, ठीक है सो ये जीरो माइनस वन एंड माइनस वन जीरो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया दैट इज माइनस वन, और हमें क्या गिवन था डिटर्मिनेंट वन, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। अब सेकेंड ऑप्शन में मुझे चेक करना है टी डब्ल्यू वी वन टी डब्ल्यू वी टू क्या वी वन वी टू के इक्वल आता है इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वन वी टू, ठीक है। सो टी डब्ल्यू वी वन जो हमारा फॉर्मूला था वो डाल दिया, टी डब्ल्यू वी टू जो हमारा फॉर्मूला था वो डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो यहां से वी वन वी टू के साथ चला जाएगा माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, वी वन इस कंप्लीट के साथ आएगा, देन दिस क्वांटिटी इस कंप्लीट के साथ आएगी, राइट। और आगे सिंप्लीफाई करो, मैंने जस्ट इनर प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया है, उसको सेपरेट किया है, जस्ट हैव अ लुक मैंने कैसे किया है, ठीक है जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ये तो जस्ट एक्सपेंड किया है मैंने। अब नेक्स्ट में देखिए ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी क्योंकि अलग अलग है, बीच में प्लस का साइन है, और ये क्योंकि एक ही इनर प्रोडक्ट में है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो वो दोनों ऐड होंगी तो ये आ गया माइनस फोर वी वन डब्ल्यू एंड वी टू डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू डब्ल्यू, डिनोमिनेटर सेम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आ गया, यहां से दिस कैंसिल, कैंसिल करके नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो आ गया। सो सिंपली मेरा वी वन वी टू का इनर प्रोडक्ट बच गया, यही था मेरा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में हमको टी इक्वल्स टू टी इनवर्स शो करना था, सो सपोज दैट टी डब्ल्यू वी इक्वल्स टू यू, दिस इंप्लाइज टी डब्ल्यू इनवर्स यू इक्वल्स टू वी, सो मैं टी डब्ल्यू वी को यू लेके चल रही हूं, सो टी डब्ल्यू इसकी डेफिनेशन लगा दी, ये मुझे गिवन था, ठीक है। अब मैं दोनों साइड क्या कर रही हूँ, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके इनर प्रोडक्ट लगा रही हूँ, ठीक है मुझे ये मिल गया, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके इनर प्रोडक्ट लगा रही हूँ, लगा सकती हूँ, एक्सपैंड किया मैंने वी को यहाँ पे, वी को डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट एंड इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है कर दिया एक्सपैंड, और यहाँ पे तो ये एज इट इज,
सो अब मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ से w से w इनर प्रोडक्ट ऑफ w w कैंसिल, और ये क्या आ गया मेरा माइनस, इन दोनों को मल्टी, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू। और जो हमने फर्स्ट लिया था दैट इज टी डब्ल्यू वी इक्वल्स टू यू लेके जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी अभी टी डब्ल्यू यू इक्वल्स टू वी लिया था, सो वहां से मैं वी निकाल सकती हूँ, वी मेरा ये आ गया। अब मैं टी डब्ल्यू इनवर्स यू निकालूंगी दैट इज वी, वी की जगह उसकी वैल्यू रख दी, तो जो सेकेंड इक्वेशन थी इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने जो निकाला था टी डब्ल्यू यू करके जो मैंने निकाला था उसमें मुझे मिला था इनर प्रोडक्ट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू अभी, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू की जगह माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू मैं लिख सकती हूँ, वही मैंने लिखा है। ये कुछ नहीं है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू यू ही है, इट मीन्स टी इनवर्स मेरा टी के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट। फोर्थ में मुझे शो करना है टी टू डब्ल्यू वी इक्वल्स टू टू टी डब्ल्यू वी, ठीक है। यहाँ पे U की जगह क्या है, W की जगह क्या है 2W, जस्ट डेफिनेशन में डाला। उसके बाद V माइनस ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो मैंने, ठीक है, जस्ट मैंने सॉल्व किया है, इसको एक्सपैंड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो वरना जरूरी नहीं है। ये देखो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज इट। यहाँ पे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो इनर प्रोडक्ट क्या होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करा, 4 और 8 कैंसिल, ये आ गया, ठीक है। सो ये मुझे मिल गया टी टू डब्ल्यू वी। आप 2 टी डब्ल्यू वी निकालेंगे तो जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, 2 को चाहे बाहर रख के टी डब्ल्यू वी कर दो, उसके बाद 2 से 2 को अंदर से मल्टीप्लाई कर लो, सो वो मेरा ये आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू दिस कंडीशन, सो फोर्थ ऑप्शन मेरा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 78, आई गेस एवरीवन कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। You have to consider this matrix A over rationals. Then which of the following matrices are of the form PT, मतलब P transpose AP for suitable 2 cross 2 matrices P over R, where PT denotes P transpose, ठीक है। अगर A ये मेरी A ये matrix है, so P transpose AP के लिए इन चारों में से कौन सी true है, ठीक है। पहले तो मैं इन जनरल पी ट्रांसपोज एपी निकाल लेती हूँ और फिर चारों के साथ कंपेयर करूंगी। ए मेरी ये मैट्रिक्स है, सपोज मैंने पी मैंने ये मैट्रिक ले ली ए बी सी डी जो इनवर्टिबल है, ठीक है, पी ट्रांसपोज एपी निकालना है जो इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है मींस उनको उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, पी का डिटर्मिनेंट क्या ए डी माइनस बी सी दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप पी ट्रांसपोज एपी निकाल लो, पी ट्रांसपोज का मतलब क्या, रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स रोज में, एंड दिस इज ए मैट्रिक्स दिस इज पी मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे पी ट्रांसपोज एपी ये मिल गया, ठीक है। पी ट्रांसपोज एपी इन जनरल मुझे ये मिल गया है, अब मुझे इनको कंपेयर करना है इन चारों से एक एक करके, और फिर मैं देखूंगी विच मैट्रिक्स इज सुटेबल फॉर दैट। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रही हूँ, फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली मैट्रिक्स थी, इसको कंपेयर किया पी ट्रांसपोज एपी से, ये मुझे पी ट्रांसपोज एपी गिवन है, ठीक है। इसको जो इन जर्नल मैंने निकाला उसके साथ कंपेयर किया, सो क्या आ गया यहाँ से 2AC = 2 AC मेरा 1 आ गया, AD plus CB क्या आ गया 0, ये भी AD plus CB क्या है 0, 2DB क्या आ गया मेरा -2, सो DB क्या आ गया मेरा -1, सो ये मेरे को तीन वैल्यूज मिल गई। क्योंकि P इनवर्टिबल है सो डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी का अगर मैं स्क्वायर करती हूं दैट इज नॉन जीरो एंड दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। तो मुझे मैट्रिसेस में क्या क्या चेक करना है कि ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर करूं वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए और वो जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मैं स्क्वायर कर रही हूं, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो AD माइनस BC होल स्क्वायर किया, अब मैं AD माइनस BC होल स्क्वायर डायरेक्ट तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे को AD माइनस BC की वैल्यूज नहीं पता, मुझे वैल्यूज पता है AC की, BC माइनस AD की वैल्यू पता है, DB की वैल्यू पता है, तो मुझे AD माइनस BC होल स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ AC
BC plus AD and DB की फॉर्म में लिखना है. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, AD plus BC whole square लिख सकती हूँ, minus AD BC, 4AD BC. अगर मैं इसको expand करूँ तो मुझे AD minus BC whole square मिलेगा. अब AD plus BC की क्या value है, 0, 0 square, minus 4, AD की क्या value है, minus 1, और AC की क्या value है, 1. लिख दिया. So AD minus BC whole square मेरा 4 आ गया, that is not equals to 0 and that is a positive quantity. So my first option is correct. ऐसे ही हम second, third, fourth option check करेंगे. सेकेंड ऑप्शन ये है, सिमिलरली ए सी ए डी प्लस सी बी बी डी, इसकी वैल्यू निकाल ली, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर में वैल्यू डाल के देखो. ठीक है, जो आ रहा है मेरा माइनस फोर, माइनस फोर एक नेगेटिव क्वांटिटी है और किसी का भी स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकते, तो सेकेंड मेरा फॉल्स है. थर्ड आप खुद से ट्राई कीजिए, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर मेरा 1 आएगा जो नॉट इक्वल्स टू 0 है और नॉन नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि हर ऑप्शन में यहाँ पे और यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो जीरो थी पर यहाँ पर फोर है. ठीक है, सो कंपेयर करो, फर्स्ट इस 2ac इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, सो ac इक्वल्स टू 3/2, ad प्लस cb क्या है मेरा 4 एंड db यहाँ से क्या आ गया 5/2. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सो मुझे मिल गया 1, दैट इज नॉन जीरो एंड दैट इज नॉन नेगेटिव, सो ट्रू. आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे हमारा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स खत्म होता है. नेक्स्ट कोर्स के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, टिल देन बाय बाय, सी यू.